back. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कनाडा में जंगलात की आग का आइंदा साल का सीज़न गुज़िश्ता साल से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। कैनेडियन वज़ीर का कहना था कि हमें बदतरीन हालात के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, हमें बेहतर से बेहतर होने की ज़रूरत है। कनाडा के वज़ीर बैनुल अक़वामी तरक्की का मिस्र के सरहदी इलाकों का दौरा। अहमद हुसैन का कहना था कि दौरे के दौरान जो कुछ देखा तकलीफ दे था, इमदाद की नकल व हरकत इसके करीब नहीं है जिसकी ज़रूरत है। कनाडा ने अलेक्सी नावाल्नी की मौत पर एहतजाजन रूसी सफीर को तलब कर लिया। रूसी हुकूमत से मौत की मुकम्मल और शफाफ इंक्वायरी का भी मुतालबा। कनाडा का रूस में दीगर सियासी कैदियों के लिए भी तशवीश का इजहार। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के सूबाई, इलाकाई और वफाकी हंगामी रद्द अमल के वज़रा के ऑटावा में दो रोज़ा इजलास इख्तिताम पज़ीर हो गए हैं। इसमें जंगल की आग के आने वाले सीज़न के बारे में बातचीत भी शामिल है, जो अल्बर्टा में पहले ही शुरू हो रही है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबाई, इलाकाई और वफाकी हंगामी रद्द अमल के वज़रा के ऑटावा में दो रोज़ा इजलास इख्तिताम पज़ीर हो गए हैं। इसमें जंगल की आग के आने वाले सीज़न के बारे में बातचीत भी शामिल है, जो अल्बर्टा में पहले ही शुरू हो रही है। वफाकी हंगामी तैयारी के वज़ीर हरजीत सज्जन ने कहा कि इस साल जंग की आग पिछले साल से भी ज़्यादा हो सकती है। हमें आने वाले जंगल की आग के मौसम के बारे में एक ख़तरनाक लेकिन हैरान कुन अपडेट फराहम की गई है। हमें खबरदार किया गया है कि हमें बदतरीन हालात के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। इब्तदाई रिपोर्टिंग बताती है कि इस साल जंगल की आग का सीज़न पिछले साल से भी बदतर हो सकता है। उन्होंने कहा कि वज़रा के दरमियान दो रोज़ा बातचीत के नतीजे में ज़रूरी नहीं कि कोई नई हिकमत अमली सामने आए, लेकिन ज़्यादा जवाबदेह होने के लिए हम आहंगी पर तवज्जो मरकूज़ की गई। हरजीत सज्जन ने कहा कि इसमें ये यकीनी बनाना भी शामिल है कि तमाम सूबों और इलाकों को उन तमाम आलात का इल्म हो जो उनके पास दस्तियाब है, ताकि वो फौरी जवाब दे सकें। उन्होंने कहा कि इजलास में सियासतदान भी पिछले साल से सबक सीख रहे थे, जब कनाडा का रिकॉर्ड पर जंगल की आग का बदतरीन मौसम था। इसमें किसी शहर को नुकसान पहुंचाने से पहले कार्रवाई करने के लिए दोबारा फाल होने वाली आग का जल्द पता लगाना और आतिशगीर आंगन के फर्नीचर को रास्ते से हटाने को यकीनी बनाने के लिए आसान इकदाम शामिल है। सज्जन ने नोट किया कि वज़रा ने मकामी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। उनका कहना था कि हमें बेहतर से बेहतर होने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि हमारे पास उनके मकामी इल्म का इस्तेमाल है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि कनाडा ने ऑटावा में क्रेमलिन के सफीर को रूस की हिरासत में अपोजिशन रहनुमा अलेक्सी नावाल्नी की मुबैना मौत पर बरहमी के लिए तलब किया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा ने अलेक्स नावाल्नी की मौत पर एहतजाजन रूसी सफीर को तलब कर लिया। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि कनाडा ने ऑटावा में क्रेमलिन के सफीर को रूस की हिरासत में अपोजिशन रहनुमा अलेक्सी नावाल्नी की मुबैना मौत पर बरहमी के लिए तलब किया है। रूस की जेल एजेंसी ने जुमे को कहा कि नावाल्नी, जो आर्कटिक पैनल कॉलोनी में 19 साल की सजा काट रहे थे,
सैर के लिए जाने के बाद बीमार महसूस हुए और होश खो बैठा और जामर ना हो सके। सदर व्लादिमीर पुतिन को अपने सियासी मुखालिफ की मौत का फौरी तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया और वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो समेत रहनुमाओं ने रूस का एहतसाब करने का आजम किया। जूली के दफ्तर ने एक तहरीरी बयान में कहा कि कैनेडा के एक सीनियर एहलकार ने स्टेपियनोव को मौत की सख्त मजम्मत से आगाह किया। एहलकार ने रूसी हुकूमत से भी मुतालबा किया कि वह मौत की मुकम्मल और शफाफ इंक्वायरी करे और बगैर किसी ताखीर के नवलनी की लाश उनके अहल खाना के हवाले करे। जूली के दफ्तर ने कहा उसने रूस में दीगर सियासी कैदियों के लिए भी तश्वीश का इजहार किया और रूस पर जोर दिया कि वो रूसी शहरियों को सजा देने या गिरफ्तार करने के बजाय तहफ़ फराहम करे जो नावाल्नी के नुकसान पर सूख मना रहे हैं। कनाडा ने पहले ही नावाल्नी के खिलाफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस अफराद पर पाबंदी आयद कर दी है और हम इसकी मौत के जिम्मेदारों को भी हिसाब किताब करने में अपने शराकत दारों के साथ शामिल होंगे। रूसी हुकाम ने कहा है कि नावाल्नी की मौत की वजह ताहाल मालूम नहीं है और उन्होंने अगले 2 हफ्तों तक उनकी लाश को छोड़ने से इनकार कर दिया है क्योंकि इब्तदाई तफ्तीश जारी है। फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।